नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कीर्तिमान के 42वें अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में देश के नामचीन कवियों ने शिरकत कर काव्य पाठ किया। मैहर की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था कीर्तिमान द्वारा हर वर्ष आयोजित होने वाले अखिल भारतीय कवि सम्मेलन 22 अप्रैल दिन शनिवार को उत्कृष्ट विद्यालय प्रांगण में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सतना सांसद गणेश सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। श्रोताओं को अपनी कविताओं से मंत्रमुग्ध करने वाले कवियों में गजेंद्र प्रियांशु ने अपने गीत से लोगों का मन मोह लिया, तो वहीं फायर ब्रांड कवित्री कविता तिवारी द्वारा वीर रस की कविताओं से श्रोताओं में राष्ट्रीय भक्ति का जोश भर दिया। कार्यक्रम में दिनेश देसी घी व जॉनी बैरागी के नाम से मशहूर कवि ने अपनी हास्य के रसगुल्ले छोड़ते हुए लोगों को जमकर हंसाया। कार्यक्रम का संचालन देवास से आए शशिकांत यादव ने किया। पता नहीं कि वो बम में बदल चुके हैं यार, कैसे भूले वो सावन के झूले जो साथ साथ में झूले। ये गांव का दृश्य हमारी बहन ने बताया कि यहाँ बेटियों के 35 टुकड़े हो गए। 35 टुकड़े इसलिए हो गए कि मेहर के बहुत प्यारे लोगों, शायद आपकी रूह काम जाए और रोंगटे खड़े अगर ओरिजिनल हो जाए। ये 35 टुकड़े इसलिए हो जाते हैं कि 35 टुकड़े नहीं, हजार हजार टुकड़े हुए होंगे, हजार 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 टुकड़े हुए होंगे, हजार हजार आपके, तब जाके 35 टुकड़े हुए हैं मोहतरमा आपके। इकबाल साहब जरा ताली बजाइए आप, ताली बजाइए। हजार टुकड़े हो गए भैया, मेरे कोई भाई ने बताया रहा बुढ़ापे में कोई दिक्कत नहीं कि देश में राम रहीम को फांसी हो, सजा हो, आसाराम को है ना हो, मुझे दुख इस बात का है कि उनके डेरे में अकेली गई क्यों, आप अकेली क्यों गई। हे प्रतिपालक, हे दया सिंधु, सच्चिदानंद घट घट वासी, हे पुण्य राशि करुणावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप, हे गुणागार, सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश, इतिहास